फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कुफ्रनहूम को चले गए। उस वक्त अंधेरा हो गया था और येसु अभी तक उनके पास ना आया था, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने येसु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। बिल्कुल डरो मत, मैं हूं। बस शागिर्द उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए। और फौरन वो कश्ती वहां पहुंची जहां उन्हें जाना था। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहां एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती ना थी, और येसु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज छोटी कश्तियां तबरियास से उस जगह के नजदीक आईं जहां उन्होंने खुदावंद का शुक्र अदा करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहां ना येसु है ना उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर येसु की तलाश में कुफ्रनहूम को